पब्लिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के लोकसभा सीट की। यहां से राजघराने परिवार के एक होनहार युवा खड़ा हुआ है। वो युवा कोई और नहीं कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया है, जो वर्तमान में सांसद भी है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया का जनाधार बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए कि एक युवा लोकप्रिय उम्मीदवारों में गिने जाते हैं, जनता इनको चाहती है। वजह यह कि ये कुंवर आनंद सिंह जो मनकापुर स्टेट के राजा हैं, ये उनके शहजादे हैं। आज कीर्तिवर्धन सिंह एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में गोंडा शहर में उभरे हैं कि लोगों का रुझान इनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि इनके मुकाबले एक दूसरे दिग्गज उम्मीदवार पंडित सिंह भी चुनाव मैदान में है। दोनों की लड़ाई बहुत ही टक्कर की है, शायद पंडित सिंह इनसे मुकाबला कर पाए। इसलिए कि भाजपा उम्मीदवार कीर्तिवर्धन सिंह के समर्थन में सीएम योगी भी आ गए हैं। उनके लिए खुद जनसभा करने के लिए आज यानी 29 अप्रैल को डमड़ियाटी इलाके में वो खुद पधार रहे हैं कीर्तिवर्धन सिंह के पक्ष में। दूसरी तरफ कीर्तिवर्धन सिंह का कहना है कि हमें कोई गम नहीं है, इसलिए कि हमने विकास किया है, हमने काम किया है, हमने सड़क का काम किया है, बेरोजगारों को रोजगार दिया है, गरीबों की सुना है, इसलिए वो हमें मत देंगे। हम विकास के बलबूते पर जीत के आएंगे, हम गुंडे के बलबूते पर नहीं जीतेंगे। हम एक राजघराने के हैं और शरीफ हैं, हम शराफत के दायरे में ही रह करके लोगों का काम करेंगे और गरीबों के साथ और आम जनता के साथ पेश आएंगे। हमारे में हम कोई माफिया नहीं है। पब्लिक अच्छी तरीके से जानती है कौन राजा है और कौन माफिया है, इसलिए फैसला जो है जनता को करना है। खुद कीर्तिवर्धन सिंह के कुछ बातों को सुनते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया और लोगों को किस तरीके से उन्होंने मदद किया और अभी क्या करने वाले हैं। खुद उन्होंने जो संबोधित किया आप सुन सकते हैं। जो काम अभी तक 5 साल में किया है, जो काम देश में 65 साल में नहीं हुआ है, उसी काम को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। हम लोगों के मुख्य लक्ष्य हैं कि एक तो जितने भी ये विकास कार्य हैं वो पूरे हों। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक रोड की बात है, जो 15 साल तक जो रोड नहीं बनी वो 2 साल में सारी रोड बनना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये जो बड़ी वाली रोड जिस पर हम लोग खड़े हैं, मुझे खुशी होगी होती है बता के कि ये 4 लेन में पास हो चुकी है, इस पर काम भी चालू हो गया है। जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, हमारे मस्किनवा किसे हथियागढ़ वाले वो 2 लेन वो बन रही है। हमारे दर्जी कुआं से बमनान होते हुए हरैया वो रोड 4 लेन वो भी बन रही है। और जो सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बताना चाहें कि हमारे श्रावस्ती बहराइच बलरामपुर होते हुए उतरौला होते हुए आपके यहाँ मैदावल खलीलाबाद तक 4,942 करोड़ की योजना मंजूर हो गई है रेलवे लाइन की। अब इससे ज्यादा काम और 5 साल में कोई क्या कर सकता है। सुल्तान रिज़वी, पब्लिक चैनल, मुंबई।